वेपन के इस्तेमाल की आशंका जताई है। फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन, ये रूस ने कर दिया है बड़ा दावा। यूक्रेन के पोपासना में रासायनिक हथियार चला रहा है यूक्रेन, ये रूस कर रहा है दावा। तो इससे पहले भी रूस की तरफ से कई बड़े आरोप यूक्रेन के ऊपर लगाए गए, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर, दो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर कब्जा किया गया, उसके पीछे भी रूस ने यही वजह बताई। कहा यह गया कि यूक्रेन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का गलत इस्तेमाल कर सकता है, परमाणु हथियार बनाने में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए हमने यहां पर कब्जा किया है। और अब यह बड़ा आरोप लगाया गया है यूक्रेन पर कि फॉस्फोरस बम का वो इस्तेमाल कर रहा है। तो आरोप बड़ा है, लेकिन इसकी गंभीरता कितनी है आपको समझा देते हैं कि फॉस्फोरस बम कितना खतरनाक है, किस तरह की तबाही ये ला सकता है। तस्वीरें आप देखिए और साथ ही आंकड़ों पर भी नजर डालिए और इसकी डिटेल्स पर भी। धमाके का धुआं जहरीली गैस बनाता है जो खतरनाक हो सकता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी का सीधा सीधा मतलब है दम घुटना, सफोकेशन। जहां पर भी ये फॉस्फोरस बम गिरता है वहां पर पूरी तरह से जल जाती है मौजूद चीज, गंभीर रूप से जला देता है और उसके बाद मौत भी दर्दनाक होती है। चपेट में जो भी इंसान आएगा उसकी हड्डियां तक फॉस्फोरस बम गला देता है और इसीलिए इसे इतना दर्दनाक, इतना खतरनाक बताया जाता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।